मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम अशोक अग्रवाल है, मैं दिल्ली में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वकालत करता हूँ। कोई 8 या 10 साल पहले मैं यहाँ पर आया था एक बार चंपारण आपके एरिए के अंदर, और मुझे ध्यान है कि बहुत अब तो फिर भी कुछ कच्चे पक्के सड़कें नज़र आ रही हैं, उस वक्त सारे ही करीब करीब खड्डे थे, बड़ा मतलब कहीं सड़क दिखने को दिख नहीं रही थी, अब कई जगह हमको सड़क दिख रही है। तो ये एक अच्छा साइन है, मतलब संकेत है कि कुछ हो रहा है। ऐसा आप लोग भी मानते हैं कुछ हो रहा है या नहीं मानते? कुछ हो रहा है। लेकिन अभी मैं जब आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आ रहा था अभी आपके स्कूल की तरफ, तो मैं इधर भी देख रहा था कैसे लोग रह रहे हैं, इधर भी देख रहा था। अभी वो कुछ पीछे बहुत सारी झुग्गियाँ थी जिसमें बहुत सारे लोग थे, मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे, मुझे लगता है कि वो बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते ही नहीं है, ये मुझे लग रहा था कि बहुत सारे, और उसमें बड़ी बड़ी उम्र की 13 साल 12 साल 14 साल की लड़कियां भी मुझे नजर आ रही थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज ये आ रहा था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें स्थिति को बदलना है, अगर हमें सिचुएशन को बदलना है, हालात को बदलना है, तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर खासकर, वैसे तो पूरे देश में ये बात लगती है लेकिन बिहार में खासकर मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है, चाहे वो झुग्गी में रहकर ही पढ़ेगा, क्योंकि हम झुग्गी के वातावरण को इतनी आसानी से बदल नहीं सकते, माता पिता की स्थिति को भी हम आसानी से बदल नहीं सकते। लेकिन अगर हर एक बच्चे को एकदम क्वालिटी, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं, एजुकेशन मिले, तो उसके द्वारा चीजों को बदला जा सकता है, ऐसा मैं समझता हूं। और इसमें एक चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये आई, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा माता पिता की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता पिता की बाय एंड लार्ज मतलब उनके जो हालात हैं उसकी वजह से तो ये स्थिति है, और उनके हालात कहीं फिलहाल दिख नहीं रहे कि हालात उनके अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है देश के अंदर, तो वो अपने ही जीवन व्यापन करने के लिए एक तरीके से संघर्ष में लगे हुए हैं। तो हमें बहुत ज्यादा उनके ऊपर आधारित होकर हम ये सोचे कि माँ बाप अच्छे हो जाए, माँ बाप के पास पैसा आ जाए और माँ बाप जो है बच्चों को पढ़ा देंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हर एक बच्चे की जिम्मेदारी जो है ना वो सरकार को लेनी चाहिए, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी, तभी तभी हम ये पक्का कर पाएंगे कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देते हैं या दे सकते हैं। नहीं तो जो हालात चल रहे हैं और इन्हीं हालात के अंदर हम उसी के अंदर जूझते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बहुत जल्दी नहीं निकलने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि देखो, शिक्षा बच्चे को आज चाहिए, हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें 10 साल बाद दे देंगे, हम बड़ा 5 ईयर प्लान कर रहे हैं, 10 ईयर प्लान कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, इन बातों पे हम नहीं चल सकते। बच्चे को आज भोजन चाहिए, आज उसको शिक्षा चाहिए, तो अगर आज आपने शिक्षा नहीं दी तो वो बच्चा जीवन भर शिक्षा से वंचित होगा। और अभी जो आप लोग अपने मूल अधिकारों की बातें कर रहे थे, वो सारे मूल अधिकार जो है ना वो इधर उधर हो जाएंगे। तो जो जरूरत है वो ये है कि हर एक बच्चे को सरकार अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है अच्छी एजुकेशन दे। अभी आप देख रहे हैं जिस हालात के अंदर मैं देख रहा हूँ, यहीं से देख रहा हूँ कि आपका शायद ये टॉयलेट ब्लॉक है, और उसका ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि उसका ऊपर का दिखा रहा है कि ऊपर का दरवाजा जो है वो टूटा हुआ है, अभी नीचे नहीं दिख रहा क्योंकि दीवार है आगे, अभी वहां जाके देखेंगे तो पता और भी लगेगा। और ये इधर
आपके नदी है इसमें मेरे ख्याल से तो मच्छर भी होते।